नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा मल्टी कलर एलईडी का सर्किट बना के और जला के। तो आप पहले ये देख लीजिए, हमें इस तरीके से ये ब्रिज बनाना है। इस ब्रिज को ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे 4007 डाइवोड हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है। और इसके अंदर जो हमारी ये पोली लगी हुई है, जिसे हम पीएफ भी बोलते हैं और पॉलिस्टर भी बोलते हैं, ये लगा हुआ है इसमें 474 650 वोल्ट। तो देखिए, मैं आपको एक बार अपने कापी में दिखा देता हूँ, जिसे कि आपको याद रहे। आपको लेना है 474। आप जे भी ले सकते हैं, इसके अंदर के भी आता है, तो 474। और आपको लेना है 450 वोल्ट। 450 वोल्ट का आपको लेना है 474। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो जो है आप 500K से ऊपर की कोई सी भी ले सकते हो, 500K से लेकर 1 मेगा ओम तक, 1 मेगा ओम, 500K से लेकर 1 मेगा ओम तक की कोई सी भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं इस जो ये हमारा पीएफ है इसके साथ में। ये देखिए, ये जो लगी हुई है ये 820K है। तो आप 500K से ऊपर की कोई सी भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं। और ये जो मैंने रेजिस्टेंस लगाई हुई है 1 वाट में, ये वाली रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमारी 2.2 ओम है, 2.2 ओम ये रेजिस्टेंस है हमारी 1 वाट में। और ये जो हमारे डायोड लगे हुए हैं, ये हैं हमारे 4007 डायोड। ये डायोड जो हैं हमारे 4007 है। तो आपने ये सब चीज़ देख लिया, ये देखिए। और ये हमारा कंडेंसर लगा हुआ है 4.7 450 वोल्ट। तो हमारा कंडेंसर लगेगा 4.7 UF 450 वोल्ट। तो ये देखिए, ये कंडेंसर है। ये आप जो मैंने आप इसका सर्किट आपको सारा बता दिया, इसमें क्या क्या लगेगा, और आप सर्किट दिखा देता हूँ किस तरीके से है। ये देखिए, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है ये कंडेंसर का, ये नेगेटिव वाला पॉइंट है। ये हमारी पोली लगी हुई है, इसमें रेजिस्टेंस है 820K। और ये हमारी 2.2 ओम 1 वाट में रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों, आपको ये सर्किट मैंने दिखाई दिया है और सर्किट के बारे में सारा यहाँ बता दिया है मैंने। ये देखिए, जो जो इस सर्किट में लगा हुआ है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, इस सर्किट को। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीरीज में एलईडी लगी हुई है मल्टी कलर। पहले मैं ये 10 LED आपको जला के दिखाता हूँ कि ये इस सर्किट से ये 10 LED जलेगी या नहीं जलेगी। और मल्टी ये LED जो है सारी सीरीज में लगी हुई है। देखिए, इसके अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो इसी तरीके से ये सारी सीरीज में लगी होती है। और सीरीज में लगने के बाद पहले हम ये 10 LED जलाएंगे, और ये जो 10 LED जो मैंने ये सोल्डिंग कर रखी है, फिर बाद में ये 10 और जलाएंगे। तो हम 20 LED एक साथ जला के देखेंगे, और पहले हम 10 LED एक साथ जला के देखते हैं मल्टी कलर LED। तो मैं इस LED की ज़रा सोल्डिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये LED हमारी इस सर्किट से जलती है या नहीं जलती। तो देखिए, जो हमारा ये 2.2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमारी AC वाली वायर लगेगी। ये AC वाली वायर 2.2 ओम रेजिस्टेंस पे लगेगी, और जो हमारी PF की एक पॉइंट है, एक AC का वायर हमारा इधर लगेगा। ये दोनों हमारे AC के वायर है, और जो कंडेंसर पे जो वायर लगेंगे वो हमारे LED के होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव हमारा कंडेंसर पे ये नेगेटिव वाले पे रहेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव वाले पे रहेगा। ये मैं LED का कनेक्शन कर देता हूँ। ये हमारा पॉजिटिव वायर है वाइट वाला, ऑरेंज वाला जो है ये हमारा नेगेटिव है। और कंडेंसर के ऊपर इसके कनेक्शन कर देता हूँ।
कंडेंसर के नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको पता ही है कि उसमें एक निशान बना होता है, उससे पता लग जाता है हमें नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये देखिए, ये मैं एसी लाइन ले आया हूँ, ये हमारी एसी लाइन है। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ मीटर से। ये मीटर से एक बार चेक करा देता हूँ। ये देखिए, इसमें 250 वोल्टेज आ रही है हमारी। और अब मैं इस एलईडी को, 10 एलईडीओ को मल्टी कलर की, इसको जला के दिखाता हूँ। और दोस्तों, इस सर्किट को बनाते समय इसके किसी भी सर्किट पे आप हाथ न लगाएं, इसमें एसी लाइन आती है। तो ये देखिए, हमारी 10 एलईडी बहुत अच्छी तरीके से जल रही हैं। और लेकिन दोस्तों, ये याद रखें कि इसके आप बिल्कुल भी हाथ ना लगे आपके पास, क्योंकि यहाँ पर जो है एसी करंट है बिल्कुल। अगर आपका हाथ लग गया तो आपको करंट लग सकता है। तो ये देखिए मैं दोस्तों, मैंने 10 एलईडी इस सर्किट से हमने चेक कर लिए, बिल्कुल सही तरीके से जल रही हैं। आप अपने घर पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या अपने घरों के अंदर कहीं ऐसी मल्टी कलर एलईडी लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। तो अब दोस्तों, हम इसके अंदर 20 एलईडी जला के देखते हैं कि 20 एलईडी हमारा ये सर्किट जला सकता है या नहीं जला सकता। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल का आइकन को जरूर दबाना। देखिए, अब ये 20 एलईडी मैंने एक साथ लगा दी, अब इसको भी जला के देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी 20 एलईडी भी एक साथ जल चुकी है। सर्किट हमें यही रखना है जो मैंने आपको बताया है, और इससे हमारी 10 एलईडी भी जलेगी और 20 भी जलेगी। और दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि आप जो है 20-20 एलईडी के, अगर आपकी एलईडी 100 है तो आप 20-20 एलईडी करके उनके सर्किट 5 बना लें। क्योंकि अगर एक साथ आप 50-50 एलईडी के दो सर्किट बना लेंगे और उनको जला देंगे, तो उससे क्या होगा, अगर कभी भी आपकी एक एलईडी ख़राब होती है, तो ये एलईडी हमारी सीरीज में लगी होती है, अगर एक एलईडी ख़राब होती है तो बाकी की एलईडी हमारी सारी बंद हो जाती हैं। और अगर आप 20-20 एलईडी करके सर्किट बनाएंगे अपने अलग अलग, तो उससे क्या होगा, अगर एक सर्किट आपका बंद हो जाएगा तो 4 सर्किट जो हैं आपके फिर भी चलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट हमारा एकदम ओके है, हमारी 20 एलईडी चल रही है मल्टी कलर की, और 10 भी हमने चेक करा, आपको चेक कराई है मैंने, वो भी चल रही है। और यही हमारा सर्किट है, ये देखिए, ये मेरा सर्किट है, इससे हमारी सारी एलईडी चल रही है।